हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डकीशी भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर को, जिसे लिखा है लुकियो रॉड्रिकल्स ने। तो देखो, जैसे कि हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमें कहानी सुनाते रहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने ये देखा था, वो देखा था, उनके साथ ये हुआ था, वो हुआ था। तो उसी तरह से लुकियो रॉड्रिकल्स बताएंगे कि जब वो छोटे थे तब गोवा में क्या क्या हुआ करता था। बेसिकली गोवा के बेकरी के बारे में बताएंगे, और तुम्हें पता होना चाहिए कि गोवा में बेकरी बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो चलो स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। साथ ही साथ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट करना, मतलब 1, 2, 3, 4 साल में तो हो ही जाना चाहिए। तो ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। सालों पहले गोवा में बहुत सारे विलेजेस थे, और उन विलेजेस में बेकरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। और उस टाइम में गोवा में पोर्टुगीज का राज था, और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि पोर्टुगीज लोग बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं लोव्स और ब्रेड बनाने के लिए। मतलब कि ब्रेड बनाने के लिए पोर्टुगीज लोग बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं। तो यहाँ पे ऑथर हमें बोलते हैं कि हो सकता है उस टाइम पे जो लोग ब्रेड खाया करते थे ना, लोव्स ऑफ ब्रेड खाया करते थे, हो सकता है वो अभी जिंदा नहीं होंगे। लेकिन उन ब्रेड को बनाने वाले जो बेकर्स है ना, वो अभी तक उन ब्रेड्स को बनाए जा रहे हैं, एंड उनके फर्नेस में आग जल रही है, और उन फर्नेसेस में अभी भी ब्रेड बनाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे ऑथर बस यही कहना चाहते हैं कि हो सकता है उस टाइम पे जो लोग ब्रेड खाया करते थे ना, हो सकता है वो लोग जिंदा नहीं होंगे, लेकिन जो बेकरी का बिजनेस है, जो बेकर्स है, वो अभी तक ब्रेड को बनाते आ रहे हैं। मतलब ये जो बेकरी का बिजनेस है ना, ये सालों से गोवा में चलते आ रहा है। फिर ऑथर में बताते हैं कि जो ट्रेडिशनली बेकर्स हुआ करते थे, वो हमेशा अपने साथ एक बैम्बू स्टिक लेके चलते थे, और उस बैम्बू स्टिक से थर्ड और जिंगल जैसा साउंड निकाला करते थे। फिर पोएट ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि हो सकता है वो जो बेकर्स थे ना, जो पोर्टुगीज के टाइम में ब्रेड बनाया करते थे, हो सकता है वो अभी जिंदा नहीं होंगे, लेकिन उनके बेटे या उनके बेटे के बेटे, मतलब जो ग्रैंडसन होंगे, वो तो अभी जिंदा होंगे, और वो लोग अभी तक बेकरी का काम करते आ रहे हैं। मतलब पोएट ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि पोर्टुगीज के टाइम से गोवा में बेकरी का जो बिजनेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है। इसलिए जो बेकर्स होते हैं ना, वो अपने बच्चों को भी बेकरी करना ही सिखाते हैं, और यही एक रीजन है कि गोवा में अभी तक बेकरी का बिजनेस चलते आ रहा है। वैसे पोर्टुगीज के टाइम में बेकर्स को पैडर नाम दिया गया था, इस चीज को याद रखना, क्या नाम दिया गया था, पैडर। फिर ऑथर वे बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब एक बेकर रोज उनके घर के पास से आया जाया करता था। एक बार वो सुबह में जाता था जब उसे अपना बिक्री का सामान बेचना होता था, और दूसरी बार जब वो अपनी पूरी बास्केट को खाली करके, मतलब अपना पूरा बिक्री का सामान को बेचकर वापस आ रहा होता था, तब वो हमारे घर के पास से जाया करता था। मतलब वो जो बेकर था, वो एक बार सुबह में ऑथर के घर के पास से बिक्री का सामान बेचते हुए जाया करता था, और दूसरी बार जब वो ऑथर के घर के पास से वापस आ रहा होता था अपना सारा बिक्री का सामान बेचकर। फिर ऑथर कहते हैं वो जो बेकर था ना, वो हमारे लिए बिल्कुल एक दोस्त या फिर कह लो कंपेनियन जैसा था। वो बेकर जब भी सुबह सुबह हमारे घर के पास से जा रहा होता था, तब वो अपनी थर्ड और जिंगलिंग बैम्बू साउंड से हमें उठा दिया करता था। और फिर ऑथर कहते हैं कि हम सब जल्दी से उठते थे और दौड़कर बेकर के पास जाते थे और उन्हें थैंक यू बोलते थे, मतलब कि ग्रीट करते थे। फिर ऑथर सोच रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे, क्या उन्हें ब्रेड की लालच थी या उन्हें ब्रेड खाने की जल्दी थी। फिर ऑथर खुद में सोचते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये दोनों रीजन में से कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ऑथर दौड़कर इसलिए जाते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें बाहर नहीं जाने दिया करते थे, मतलब बेकर के पास नहीं जाने दिया करते थे, क्योंकि ऑथर के घर में जो सर्वेंट थी ना, यूजुअली वही जाती थी बेकर के पास और उससे पास्काइन और बेस्टाइन जैसे ब्रेड को खरीद कर लाया करती थी। मुझे नहीं पता ये सब क्या होता है, बट मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगा। फिर ऑथर में बताते हैं कि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके घर की जो सर्वेंट थी वो बेकर के पास जाती थी और ब्रेड खरीद के लाती थी, क्योंकि ऑथर को वो ब्रेड पसंद नहीं आते थे जो यूजुअली सर्वेंट लाया करती थी, क्योंकि ऑथर को ब्रेड बैंगल्स पसंद थे जो कि राउंड शेप के होते थे और यूजुअली स्वीट टेस्ट के होते थे, मतलब मीठा होता था, और जो सर्वेंट थी वो हमेशा पास्किन और बेस्टाइन लाती थी। ऑथर केयरफुली चुनकर उन ब्रेड्स को लिया करते थे। देखो बेकर्स के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम्हारे एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, पहले प्री बोर्ड्स फिर बोर्ड्स, एंड तुम सबका एम होगा कि तुम सबको 80 में 80 चाहिए। तो देखो ऐसा पॉसिबल तभी है जब तुम चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ, उसे प्रैक्टिस करने के साथ साथ पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करते हो, क्योंकि जब तक तुम पीवाईक्यूज को सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उन्हें किस वे में सॉल्व करना होता है। इसलिए
आज मैं उस साल का एक बुक तुम सबके लिए लेके आया हूँ और ये 100% लेटेस्ट CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग है और इसमें तुम्हें फुल्ली सॉल्व बोर्ड्स पेपर भी देखने को मिल जाएंगे और इसमें 2000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ऊपर से सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स है ना वो भी प्रॉपर बोर्ड मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग है ताकि तुम प्रैक्टिस करके सीख पाओ कि एग्जाम में कैसे लिखना है। और बस यही नहीं, तुम्हें 1000+ कॉन्सेप्ट्स, माइंड मैप और मेमोनिक्स भी देखने को मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि बात अभी यहीं पे खत्म हो चुकी है तो ऐसा नहीं है, तुम्हें 50+ कॉन्सेप्ट वीडियो का एसेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, आर्ट इंटीग्रेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें सिर्फ ओसवाल की बुक्स में ही देखने को मिलेगी। देखो एट लास्ट मैं बस इतना ही कहूंगा कि तुम अगर अच्छे से अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक को पढ़ते हो, फुटप्रिंट्स बुक को पढ़ते हो, उसके अलावा अगर तुम इन ओसवाल बुक्स को ले लेते हो और इनके PYQs को सॉल्व करते हो और सीखते हो कि कैसे तुम एग्जाम में लिखना है तो तुम आराम से 80-80 ला सकते हो। वैसे भी इंग्लिश बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। अब तुम लोग को बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाओ जाके फटाक से ले लो। तो चलो अब चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और फिर इसके बाद जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जो बेकर्स थे ना वो यूजुअली एकदम म्यूजिकल एंट्री मारते थे। जब भी वो मोहल्ला टोला या फिर किसी के घर के पास से गुजरते थे वो एकदम म्यूजिकल एंट्री मारते थे, झंग झंग साउंड बजाते हुए। तुम्हें क्या लगा अरिजीत सिंह का गाना गाते हुए जाते होंगे? नहीं यार, वो हमेशा अपने बास्केट को अपने सर पर रखा करते थे और एक हाथ से उन्हें पकड़े रहते थे और वहीं दूसरी हाथों से बैम्बू स्टिक पकड़े रहते थे जिससे वो झंग झंग साउंड प्रोड्यूस किया करते थे। जब भी वो बेकर सुबह सुबह हमारे घर आया करते थे तो सबसे पहले अपने बास्केट को नीचे उतारते थे और फिर दोनों हाथों को जोड़कर हमारी घर की जो औरतें हुआ करती थी उन्हें ग्रीट किया करते थे, उन्हें गुड मॉर्निंग बोला करते थे। और फिर इसके बाद जो हम बच्चे होते थे हमें बहुत मन करता था कि हम दौड़कर बेकर के पास जाएं, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जाता था। इसलिए हम सब जो छोटे बच्चे थे वो छुपकर हमारे घर की जो छोटी दीवारी हुआ करती थी वहां से झांक कर उन बेकर्स को देखा करते थे। फिर ऑथर ये भी बताते हैं कि जब भी उन्हें सुबह सुबह लोव्स ऑफ ब्रेड खाने को मिलता था तब वो तुरंत उन ब्रेड्स को खा लिया करते थे बिना ब्रश किए, क्योंकि ब्रश करना उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट काम था क्योंकि उस वक्त गांव में लोग दतमन से ब्रश किया करते थे। उस टाइम पे ब्रश नहीं हुआ करता होगा या फिर होता भी होगा तो गांव में उतना प्रचलित नहीं होगा, तो इसलिए उस टाइम के जो लोग थे ना वो दतमन से ब्रश किया करते थे। और इसलिए ऑथर कहते हैं कि उनके लिए ब्रश करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम था क्योंकि ब्रश करने के लिए उन्हें पेड़ से डंडी तोड़ना पड़ता ना। और फिर ऑथर ये भी कहते हैं कि देखो देखो टाइगर्स कहां ब्रश करते हैं, टाइगर्स भी तो ब्रश नहीं करते, फिर भी उनके दांत कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने व्हाइट होते हैं। तो उसी तरह हमें भी ब्रश करने की जरूरी क्या है, ब्रश करने से तो अच्छा हम चाय पी लेंगे, चाय पीने से हमारी जो दांत है वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। यार क्या ही ऑथर है हमारे। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि गोवा में जब भी एंगेजमेंट या फिर मैरिज हुआ करता था और उसमें अब बाउल ऑफ ब्रेड ना दिया जाए तो इसका मतलब वो जो मैरिज या फिर एंगेजमेंट है ना वो मीनिंगलेस है, बकवास है, बिल्कुल यूजलेस है, उस मैरिज या फिर एंगेजमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे बेकरी का गोवा में कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस था। और आज के टाइम पे जब भी तुम गोवा के बारे में सोचते हो तो क्या याद आता है, आगे अगर एक सेंटेंस भी बोल दी ना तो ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। छोड़ो मैं नहीं बोल रहा, चलो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो बेकर्स थे ना वो नी लेंथ ठीक है, एकदम नी लेंथ तक का एक सिंगल ड्रेस पहना करते थे और वो ड्रेस बिल्कुल फ्रॉक जैसा दिखता था, जो लड़कियां पहनती है ना बिल्कुल वैसा ही। और उस ड्रेस का नाम दिया गया है कबाई, इसे भी याद रखना, ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बेकर्स लोग जो ड्रेस पहनते थे उसका नाम था कबाई। फिर ऑथर हमें बताते हैं कि आज के टाइम में भी अगर कोई 3/4 हाफ पैंट पहना हुआ अगर हमें रोड पे दिख जाता था ना तो हम उसे सीधा पैडर से कंपेयर करने लगते थे या पैडर बोलने लगते थे। पैडर का मतलब ही बेकर होता है, भूल मत जाना। उस टाइम पे जो बेकर्स थे वो यूजुअली मंथ एंड में अपना बिल कलेक्ट किया करते थे, बिल्कुल आज के टाइम के दूध वाले जैसा। वो रोज आके हमें दूध देते हैं और मंथ एंड में सारे पैसे आकर लेके निकल जाते हैं। और उस टाइम पे जो एल्डर्स थे ना वो पेंसिल से दीवार पे लिख लिया करते थे कि आज का इतना हुआ, कल का इतना हुआ, परसों का इतना हुआ, अरे आज तो हमने कोई बेकरी का सामान ही नहीं खरीदा, और ऐसे ही करके वो पूरे महीना का ऐसे लिस्ट दीवार पे बना लिया करते थे कि इतना पैसा हुआ और इतना देना है, इतना नहीं देना है, इतना टालना है, वगैरह वगैरह सब कुछ। उस टाइम में गोवा में बेकरी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था और साथ ही उस टाइम पे जो बेकर्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा मोटे होते थे और उनकी जो फैमिली होती थी ना वो ज्यादातर रिच ही होती थी। बेकर्स के खुद के घर में सर्वेंट होते थे और वो बहुत ही ज्यादा रॉयल लाइफ बिताते थे। उस टाइम पे बेकर्स की जो फिजिक थी, मतलब जो बॉडी थी, वो बिल्कुल एक जैकफ्रूट जैसा दिखता था। जैकफ्रूट का मतलब कटहल होता है, तुमने दिखा ही होगा कभी ना कभी, क्या नॉर्मल वेजिटेबल है, तुम लोग खाते ही होगे, मैं तो खाते ही रहता हूं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम में भी जो लोग जैकफ्रूट जैसा दिखते हैं, मतलब जो कटहल जैसा दिखते हैं, हम उन्हें यूजुअली बेकर के चिढ़ाते हैं या फिर बेकर करके बुलाते हैं या फिर कह सकते हो उन्हें बेकर से कंपेयर किया जाता है कि देखो ये मोटा कटहल जैसा आदमी दिख रहा है, ये जरूर गोवा का बेकर होगा। एंड इस तरह से ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। तो आई होप सो तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे देखा
जाए तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा खास है नहीं इस चैप्टर में। बस ये याद रखना कि बेकर्स जब भी किसी के घर से गुजरते थे तो वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करते थे, बेकर्स जो थे वो किन किन लोगों को ग्रीट किया करते थे, बेकर्स का जो फिजिक था मतलब जो बॉडी था वो किस टाइप का दिखता था, और उनका जो ड्रेस था ना नी लेंथ का उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कबाई बोलते हैं। यही सब छोटी मोटी चीजें तुम याद रखोगे तो तुम इस चैप्टर से आराम से फुल में फुल मार्क्स ला सकते हो। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। चलो अब तुमसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।